खरीफ फसल वर्ष 2019-20 धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। किसानों के लिए नया समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। देखते हैं किस फसल में कितना नया समर्थन मूल्य जुड़ा है और वृद्धि कितनी की हुई है। इसमें सबसे पहले देखें तो जो कामन धान होता है सामान्य, उसका नया समर्थन मूल्य है 1815 रुपया, जबकि पहले था 1750, अर्थात इसमें 65 रुपये की वृद्धि हुई है। दूसरा है ए ग्रेड धान, जिसका नया समर्थन मूल्य है 1835 रुपया, जबकि पुराना समर्थन मूल्य था 1770 रुपया, अर्थात इसमें भी 65 रुपये की वृद्धि हुई है। मक्का का नया समर्थन मूल्य है 1760 रुपया, इससे पहले पुराना समर्थन मूल्य था 1700, इसमें 60 रुपये की वृद्धि हुई है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य है 3710 रुपया, जो कि नया है, पुराना समर्थन मूल्य है 3399 रुपया, अर्थात इनमें 311 रुपये की वृद्धि हुई है। बाजरा का नया समर्थन मूल्य है 2000 और पुराना समर्थन मूल्य था 1950 रुपया, अर्थात इनमें 50 रुपये की वृद्धि हुई है। यदि आप जिस भी फसल की जानकारी लेना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सभी फसल का नया समर्थन मूल्य जान सकते हैं।